सहरसा में गृह मंत्रालय भारत सरकार और बिहार राज्य गृह मंत्रालय के निर्देश पर जिले के कई थानों में अलग से महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है और इसको लेकर महिला हेल्प डेस्क में कार्यरत महिला पुलिस पदाधिकारी और थाना अध्यक्ष को सहरसा पुलिस लाइन केंद्र में प्रशिक्षण दिया गया। आपको बता दें कि सहरसा जिले में कुल 10 थाने में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना का आदेश प्राप्त हुआ था। उक्त आदेश के आलोक में सभी 10 थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जा चुकी है, जिनमें सहरसा सदर थाना, SC/ST थाना, सौर बाजार थाना, बनगांव थाना, नवहट्टा थाना, महिषी थाना, बख्तियारपुर थाना, सोनबरसा राज थाना, सलखुआ थाना एवं जलई OP शामिल है, जिसमें कार्यरत पुलिस कर्मियों को DSP एजाज मनी ने अहम जानकारियां दी। DSP एजाज मनी हाफिज ने जानकारी देते हुए बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार और बिहार राज्य गृह मंत्रालय की तरफ से महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है महिला संबंधित जो अपराध होते हैं उसके लिए अलग से महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। अभी वर्तमान में जिले के शहरी और ग्रामीण इलाके के 10 थाने में इसकी स्थापना की गई है। महिला हेल्प डेस्क का मुख्य काम यह होगा कि जो महिला से संबंधित अपराध होंगे उसे महिला हेल्प डेस्क में कार्यरत महिला पुलिस पदाधिकारी द्वारा आवेदन लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, या फिर अगर किसी आवेदनकर्ता की शिकायत का समाधान आपसी सुलह से हो जाता है तो उस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। इसको लेकर महिला हेल्प डेस्क में कार्यरत 30 महिला पुलिस कर्मियों और थाना अध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया गया है। जा रहा है किसी का प्रशिक्षण दिया है क्या? ये गृह मंत्रालय भारत सरकार और बिहार राज्य गृह मंत्रालय की तरफ से महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। महिला हेल्प डेस्क में महिला संबंधित जो अपराध होता है या जो ऑफेंसेस होते हैं वो उसके लिए महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ 10 थाने हैं जहाँ पर महिला हेल्प डेस्क स्थापित है और मुख्यतः जो ये थाने ऐसे हैं जो शहरी क्षेत्र के थाने हैं, एक दो ग्रामीण क्षेत्र के भी थाने हैं वहाँ पर है। उनका मुख्य काम ये है कि महिला से संबंधित जो ऑफेंसेस या अपराध होते हैं उनके मामले में जो हेल्प डेस्क की कर्मी होती है वो महिला लेडी ऑफिसर्स ही हैं, वो लोग उन मामलों को लेती हैं, उनके आवेदन को या वो शारीरिक रूप से उपस्थित होती है तो उनके मामलों को लेती है, उनसे डिस्कस करती है और आवश्यक अगर वैधानिक कार्रवाई आवश्यक हुई तो आवश्यक कार्रवाई की जाती है और नहीं होता तो बहुत से मामले में मेडिएशन या उनको आपस में बातचीत करके उसका अगर समाधान हो सके तो वो किया जाता है। इसी के संबंध में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है? ये 10 प्रतिष्ठान में 30 लोग जो है वो पदस्थापित हैं, उसके अतिरिक्त सभी SHO हैं वो हैं, मेरे साथ ट्रेनर के रूप में और भी लोग हैं, आप देख सकते हैं सार्जेंट साहब हैं, कुछ इंस्पेक्टर साहब हैं, ये लोग हम लोग सभी मिलकर ट्रेनिंग दे रहे हैं।